देखते आज की बड़ी खबर। रईस मूवी की तरह शातिर तरीके से करते थे शराब की तस्करी, पुलिस ने किया भंडाफोड़। नई दिल्ली साउथ ईस्ट जिले के लाजपत नगर थाने की पुलिस टीम ने शराब तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। टाटा 407 में दूध के कैरेट रख कर शराब की तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना पर शनिवार रात लाजपत नगर इलाके के रिंग रोड पर टाटा 407 टेम्पो की तलाशी ली गई। टेम्पो के अंदर दूध के कैरेट में शराब की 220 पेटियां मिली। पुलिस ने टेम्पो चालक और उसके साथी को एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय अमर और 46 वर्षीय वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदु के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के दक्षिणपुरी के रहने वाले हैं। सफाई से करते थे काम। ये दोनों बड़े शातिराना तरीके से शराब की तस्करी कर रहे थे। टाटा 407 टेम्पो में दूध की कैरेट में शराब छुपाकर तस्करी करते थे। साउथ ईस्ट के डीसीपी के अनुसार शनिवार रात एक सूचना पर लाजपत नगर थाने की पुलिस टीम ने पिकेट लगाकर जांच करना शुरू किया। टाटा 407 टेम्पो में दूध के कैरेट में शराब की 220 पेटियां, 4000 पौवे, 2880 हाफ और 240 बोतलें मिली है। यह दोनों आरोपी फरीदाबाद के गोदाम से शराब खरीदते थे और फिर उसे दक्षिणपुरी और अंबेडकर नगर इलाके में ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।